सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अगर आपके फ़ोन के कैमरे का क्लियरिटी अच्छी नहीं है या फिर आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, उसमें आपका फ़ोटो जो है वो अच्छा क्लियर नहीं आ पाता है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक इतना बेस्ट यानी कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं और उससे आपका इतना खूबसूरत फ़ोटो आएगा, इतना क्लियर फ़ोटो आएगा कि आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि हम अपने फ़ोन से ही इतना कमाल का फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन का फ़ोटो जो है वो अच्छा लाना चाहते हैं, फ़ोन का जो कैमरा है उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप इन तक देखते रहिए, काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्त आप इंडिया का सबसे बेस्ट कैमरा एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्त अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिए। ओके, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा एप्लीकेशन है जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ये जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं यही वो एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही फाड़ू फोटो आता है। इससे मैं आपको सब कुछ अभी मैं फ़ोटो वगैरह सब कुछ क्लिक कर दिखाऊंगा, और इस कैमरा एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर, कितना क्लियर यहाँ पर फ़ोटो आ रहा है। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन का जो नॉर्मल कैमरा है उसे ओपन कर दिखाता हूँ कि कैसा फ़ोटो आ रहा है। ओके, ये हो गया फ़ोन का जो नॉर्मल कैमरा है, वो आप देख लीजिए कि कैसा आ रहा है ना। अब उस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आप देख लीजिए कि कैसा यहाँ पर, कितना क्लियर यहाँ पर फ़ोटो आ रहा है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक कर दिखाता हूँ। ओके, ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। ओके, और ये आप फ़ोटो आप देख लो कि कितना क्लियर फ़ोटो आया हुआ है, पूरा डिटेलिंग्स देख ली, एक एक चीज़ यहाँ पर बारीकी से दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं फ्रेशनर, ये जो है इसमें एक बूंदा बूंदा टाइप का है, वो भी यहाँ पर क्लियर जो है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो पूरा डिटेलिंग्स के साथ है ना। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सभी फ़ीचर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको इतने सारे फ़ीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको नॉर्मल कैमरा में कभी ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर एस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। एस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसके अंदर हमें फ़ीचर्स मिल जाता है, सिंगल शॉट, ब्रस्ट, HDR, नाइट वीडियो, प्री शॉट, स्मार्ट मल्टी शॉट, बेस्ट शॉट। ओके, तो ये तो हमारा फीचर्स हो गया, जिस मोड में आप क्लिक करना चाहते हैं उस मोड में आप क्लिक कर पाएंगे। अब यहाँ रही बात एक बहुत ही खास फीचर्स की, मान लीजिए कि अगर आप रात में अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो फ़ोटो तो साफ नहीं आता है, जो भी फ्लैश का लाइट रहता है उतना ही मतलब कि फ़ोटो क्लियर आएगा, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लगेगा कि आपने दिन में या फिर आपने DSLR कैमरा से फ़ोटो क्लिक किया है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर में प्लस माइनस का एक आइकन है। ओके, तो अगर आप रात में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपको प्लस टू कर देना है। ओके, प्लस टू कर देंगे तो फ़ोटो जो है वो बहुत ही क्लियर आएगा रात में। अगर आप जो है वो बाहर में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, मतलब धूप में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और चमक रहा है, फेस पर पूरा लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर आप माइनस टू कर देंगे तो जो फ़ोटो है वो मतलब कि बहुत ही बेस्ट आएगा, लाइट पे फेस पे लाइट नहीं चमकेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करने का है, CF का ऑप्शन है जहाँ से आप फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा स्विच करने का एक बटन भी मिल जाता है, रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा करने के लिए। तो यही था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके अंदर फीचर्स हैं, और यहाँ से आप फ़ोटो और क्या वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कर पाएंगे। ओके, तो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों, एक बार आप ट्राई कीजिए। जब आप इस एप्लीकेशन से फ़ोटो क्लिक करेंगे ना, तो लोग नहीं कहेंगे कि आपने फ़ोन से क्लिक किया है, यही कहेंगे कि आपने कोई DSLR कैमरा से फ़ोटो क्लिक किया है। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।